हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वाइल्ड बजीज के बारे में। देखिए, वाइल्ड बजीज जो होता है, ग्रीन वाला जो बजीज पैरट है दोस्तों, ब्रीड करने में नंबर वन होता है सभी बजीज पैरट में, चाहे वो पाइड बजीज हों, चाहे हमारे रेड आइज बजीज हैं, स्पेंगल बजीज हैं, रेनबो बजीज हैं, शो बजीज हैं, जिस तरह के भी बजीज होते हैं, सभी म्यूटेशन में दोस्तों ज़बरदस्त ब्लड लाइन होती है वाइल्ड बजीज की, और ब्रीड करने की एक तरह से मशीन होता है। तो आज डिटेल में बात करेंगे हम वाइल्ड बजीज के बारे में, जानेंगे उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम अपने सेटअप में रखते हैं तो क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजीज पैरट में काफ़ी तरह की आपने म्यूटेशन देखी होंगी, अलग अलग तरह के बजीज पैरट देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और बहुत अलग अलग कलर के, मल्टी कलर के बजीज पैरट होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों जो ग्रीन वाला वाइल्ड बजीज जो होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरे रंग के जो बजीज पैरट होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो ये ओरिजिनल म्यूटेशन है वो ग्रीन ही होती है। आप वाइल्ड बजीज की जितनी भी आप नेशनल ज्योग्राफिक पर या कहीं पर भी वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में ग्रीन वाले वाइल्ड बजीज आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल म्यूटेशन होती है दोस्तों। इसी से ही हम लोगों ने अलग अलग कलर की अलग अलग म्यूटेशंस बनाई हैं। तो जब नई नई म्यूटेशन बनती हैं तो दोस्तों उनकी ब्लड लाइन थोड़ा सा कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, और उनके बच्चे भी और उनकी ब्रीडिंग पर भी असर पड़ता है इस बात का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर अभी तक अच्छी ब्रीड नहीं होती है, आपके यहाँ पर बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं, बहुत कम अंडों में फर्टिलिटी आती है, बच्चों की तादाद कम होती है, या बच्चों का साइज़ अच्छा नहीं है, बर्ड्स का साइज़ अच्छा नहीं है, तो आप एक बात नोट कर लें, अगर आप अपने सेटअप में वाइल्ड बजीज ग्रीन वाले मेल फीमेल बोथ या अलग अलग मेल फीमेल लाकर छोड़ेंगे तो देखिएगा, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाली हैं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि मैं काफ़ी सालों से बजीज पैरट को पालता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं नॉर्मल ही बजीज पैरट रखा करता था, तो मेरे पास ग्रीन वाले वाइल्ड बजीज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो आप लोगों ने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जो हमारा फर्स्ट चैनल है उस पर आपने देखी होंगी, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारी हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग जो है वाइल्ड बजीज ग्रीन वालों को कम पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे मैंने उसको अपने सेटअप से हटाता रहा, और एक टाइम ऐसा आ गया है अब कि हमारे यहाँ पर एक भी वाइल्ड बजीज का पेयर नहीं है। तो उसका लॉस मुझे देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि जो मुझे पहले ज़बरदस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ करती थी, एक एक मटकी में सात सात आठ आठ बच्चे भी निकल जाया करते थे, और बच्चों का साइज़ बहुत अच्छा होता था, फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती थी अंडों में, तो वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर वाइल्ड बजीज नहीं हैं। हमने और दूसरी म्यूटेशंस रख ली हैं, और अलग अलग कलर के बजीज पैरट रख लिए हैं, तो इस वजह से अब वो बात नहीं आती है ब्रीडिंग प्रोग्रेस में जो पहले आया करती थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा, और अपने यहाँ पर कुछ वाइल्ड बजीज के पेयर या मेल फीमेल लाकर ज़रूर छोड़ूंगा। तो आप भी दोस्तों इनको लेकर आया करें, अपने सेटअप में रखा करें, भले ही इनका कलर अच्छा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये ब्रीड करने में नंबर वन है सभी बजीज पैरेटों में, याद रखें। और इनकी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये आसानी से बीमार नहीं होता दोस्तों। बाकी दूसरे बजीज पैरेट आप देखेंगे कि बहुत जल्दी नज़ला खांसी बुखार या लूज़ मोशन की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से बीमार नहीं होता है, ना ही इतनी आसानी से मरता है। तो बहुत ज़्यादा ये दोस्तों अंडे देता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकालता है, और उनका साइज़ भी बच्चों का बहुत अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि ये फीड बहुत अच्छा कराते हैं अपने बच्चों को। तो आप ख्याल रखें, अगर आपके यहाँ पर बजीज पैरट हैं और आपके यहाँ पर कोई भी वाइल्ड बजीज नहीं है, तो ज़रूर रखें इनको। देखेंगे आप दोस्तों,
भले ही ये जो है कुछ ज़्यादा बच्चे ग्रीन कलर के निकालते हैं, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे नहीं होते हैं। अगर आप उनको दूसरे बजीस पैरट के साथ लगाकर उनको ब्रीड कराएंगे तो दोस्तों आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और आपके बर्ड्स का देखेंगे साइज़ भी ग्रो होगा और वो आसानी से बीमार नहीं हुआ करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ ऐसी होती है कि आम आदमी जो होता है वो कलर के ऊपर ज़्यादातर जो है बर्ड्स को लाकर रख लेता है और ग्रीन वाले बजीस पैरट को रखना नहीं चाहता है। तो अगर आपके यहाँ ब्रीड अच्छी नहीं होती है या बिल्कुल ब्रीड नहीं होती है तो मेरा सजेशन यही है कि आप कुछ वाइल्ड बजीस के बर्ड लेकर आकर अपने सेटअप में छोड़ें और देखें कुछ ही दिन में आपके यहाँ पर बहुत अच्छी ब्रीड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी जितनी भी ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं भी दोस्तों बहुत जल्दी ही कुछ ग्रीन वाले वाइल्ड बजीज़ अपने सेटअप में रखूँगा, जिससे कि मेरे यहाँ पर भी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस में वो बात नहीं आ रही है तो उसमें भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुधार होने लगेगा। तो दोस्तों ये ओरिजिनल म्यूटेशन होती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन वाले वाइल्ड बजीज़, उसके बाद हम लोगों ने इनसे अलग अलग करके म्यूटेशन निकाली। हमने कुछ पाइट बजीज निकाले, लोगों ने वाइट निकाले दोस्तों, इसमें एल्बिनो, लुटिनो, स्पेंगल, रेनबो, शो बजीज, ये सभी जो हैं इन्हीं वाइल्ड बजीज से निकाले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप वाइल्ड बजीज को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा ना करें, कुछ वाइल्ड बजीज अपने सेटअप में लाकर रखा करें। तो ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ये एक भाई के सेटअप की है जिसको मैं बनाकर लेकर आया हूँ। तो देखें इनके यहाँ पर कितने ज़्यादा वाइल्ड बजीज हैं, आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा इनका साइज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड बजीज आपको नज़र आएंगे सेटअप में। तो काफ़ी दिन से मैं वाइल्ड बजीज की वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो एक भाई के सेटअप से मैं बनाकर लेकर आया हूँ। और देखें कुछ वाइल्ड बजीज इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे भी आने वाले टाइम में, जिससे कि हमारे यहाँ पर भी हमारे बर्ड्स जो हैं अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों इसमें आपको कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वाइल्ड बजीज आपको हर जगह से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे और इनका प्राइस भी सबसे लो होता है, बहुत ही आसानी से आपको कम पैसों में मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ अच्छे बर्ड्स भी रखना चाहते हैं तो उनके साथ कुछ वाइल्ड बजीज भी रखें तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स को हर तरह से उनका साइज़ भी ग्रो होगा, ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपके यहाँ अच्छी होगी, ब्रीड भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्रीड नहीं हो रही है तो सभी फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वाइल्ड बजीज ज़रूर रखा करें, यही मेरा सजेशन है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा। ओके।